नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। राज्यसभा में कृषि बिल पर चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के दो दिग्गजों के बीच हुआ संवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों नेताओं के बीच हुए संवाद से राज्यसभा का बोझिल माहौल भी थोड़ी देर के लिए हल्का हो गया। दरअसल राज्यसभा में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के बीच में ये संवाद हुआ। दोनों के बीच संवाद इतना मजेदार था कि संसद में जोरदार ठहाके लगने लगे। सिंधिया ने कृषि सुधार के मसले को लेकर कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया तो सिंधिया के ठीक बाद भाषण देने उठे कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया जी को बधाई, मैं आपको बधाई देता हूं, जितने अच्छे ढंग से आप यूपीए के कार्यकाल के दौरान यूपीए का पक्ष सदन में रखते थे, आज आपने बीजेपी का पक्ष सदन में रखा है, वाह जी महाराज वाह। इस पर सिंधिया ने भी जवाब दिया, उन्होंने कहा कि यह सब आपका आशीर्वाद है। इस पर दिग्विजय सिंह बोले, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था और आगे भी रहेगा। अब दिग्विजय सिंह के इस आशीर्वाद के क्या मायने निकाले जाएं, आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राज्यसभा में गुरुवार को एक ऐसा मजेदार वाक्य हुआ जिसके बाद राज्यसभा तालियों की गड़गड़ाहट और ढांकों से गूंज गया। गुरुवार को राज्यसभा में मध्य प्रदेश के दो दिग्गज नेताओं के बीच कुछ ऐसा हुआ कि अचानक सदन का माहौल हल्का हो गया और वहां हंसी ठिठोली शुरू हो गई। इस दौरान महाराजा और राजा के बीच जो संवाद हुआ उससे लगा कि दोनों के बीच की दूरियां मिट गई है। कभी कांग्रेस में साथ रहते हुए भी दोनों दूर दूर रहते थे, लेकिन गुरुवार को संसद में मजेदार पल देखने के बाद लगा कि वर्चस्व की जंग अब खत्म हो गई है, क्योंकि वर्षों से लोगों ने इस तरह से इन दोनों के बीच बातचीत नहीं देखी है। बीते एक साल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह 3 बार ही आमने सामने हुए हैं, लेकिन गुरुवार जैसा मिजाज कभी नहीं देखने को मिला है। ये तब हुआ जब मध्य प्रदेश से भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के संबोधन के तुरंत बाद ही कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को संबोधन के लिए बुला लिया गया, जिसके बाद ठहाका लगना भी लाजमी था, क्योंकि सिंधिया और दिग्विजय सिंह अब अलग अलग पार्टियों में हैं। अब दोनों दिग्गजों में दूरियां काफी बढ़ चुकी है। राज्यसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का संबोधन खत्म होने के तुरंत बाद ही सभापति वेंकैया नायडू ने जैसे ही मध्य प्रदेश से कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का नाम पुकारा, पूरा सदन ठहाकों से गूंजने लगा। सभी सदस्यों को हंसता देख सभापति ने भी मुस्कुराते हुए ये स्पष्ट किया कि मैंने कोई बदलाव नहीं किया है इस लिस्ट में, मेरे पास जो आया मैंने वैसा ही बुलाया। इसके बाद तालियां भी बजने लगी। जैसे ही दिग्विजय सिंह संबोधन के लिए आए वो भी मुस्कुराते हुए सिंधिया को बधाई देने लगे। दिग्विजय ने कहा कि मैं सभापति महोदय के माध्यम से सिंधिया जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस ढंग से सिंधिया जी यूपीए की सरकार का पक्ष काफी अच्छे से रखते थे, उतने ही अच्छे ढंग से आज उन्होंने भाजपा का पक्ष रखा है, आपको बधाई, वाह जी महाराज वाह। दिग्विजय सिंह के बोल सुनकर सिंधिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि सब आपका ही आशीर्वाद है। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमेशा रहेगा, आप जिस पार्टी में रहे, आगे जो भी हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और रहेगा। तो जरा आप भी देख लीजिए राज्यसभा में गुरुवार को हुए इस मजेदार वाक्य को। सभापति महोदय, मैंने कुछ परिवर्तन किया नहीं उसमें, जो वो लिस्ट में जो आए उसी के हिसाब से मैंने बुलाया। मैं आपको बधाई देता हूँ आपके माध्यम से, माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा, आपको बधाई हो, वाह जी महाराज वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज, हमेशा रहे आप, आप, आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। राज्यसभा में इन दो दिग्गजों के बीच जो हुआ वो मजेदार तो था ही, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो सिंधिया को आशीर्वाद दिया वो कहीं ना कहीं कई सारे प्रश्न खड़े करता है। अतीत में दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से सिंधिया परिवार पर तीर बरसाए हैं,
उस हिसाब से ये तल्खी इतनी जल्दी घुल जाएगी ये तो संभव नहीं लगता। अब इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान में ये किसी से छुपा नहीं है कि माननीय सिंधिया जी का कांग्रेस में कितना अपमान होता था, और उस अपमान को करने वाले में दो लोगों के नाम गिने जाते थे, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। आज दिग्विजय सिंह जी आशीर्वाद दें या शुभकामनाएं दें, पर उनने जो साजिश की है वो कभी इस धरती से ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि माननीय सिंधिया जी को जनता के हित में, और जो लगातार उनका अपमान हो रहा था और जो बार बार वो जनता के लिए बात रख रहे थे सरकार में कि जनता के हित में काम कीजिए, पर कमलनाथ की सरकार दिग्विजय सिंह के कहने पर वो काम नहीं कर रही थी, उसकी परिणति है कि आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय सिंधिया जी को आना पड़ा। अब फिर दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं अपनी चालें चल रहे हैं, पर उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी एक ही सदन के सदस्य हैं, इसलिए जो सामान्य सदन के सत्र के दौरान उनकी सामान्य मुलाकात है, और शिष्टाचार में उन्होंने आशीर्वाद मांगा दिग्विजय सिंह जी से, इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने आशीर्वाद उन्हें दे दिया। तो उसमें कोई राजनीति तो नहीं है, ये तो एक जो उनके व्यक्तिगत स्तर पर जो संबंध हैं और जो एक शिष्टाचार है उसका उन्होंने निर्वाह किया है। बाकी आज वो अलग पार्टी में है, तो जो कांग्रेस का पक्ष है वो कांग्रेस का ही पक्ष रहेगा। एक साल में तीसरी बार 4 फरवरी 2021 को दिग्विजय सिंह और ज्योतिराज सिंधिया का सामना हुआ है। इस दौरान दोनों नेता अपने अलग ही मिजाज में नजर आए हैं, साथ ही दोनों के बीच संसद में मजेदार पल भी सामने आए हैं। सांसदों ने दोनों के संवाद पर खूब ठहाके लगाए हैं। ऐसे वक्त में जब बीजेपी के नेता सिंधिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेसी तंज कस रहे हैं, ऐसे में ये सीन देख दोनों दलों के नेताओं को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन दिग्विजय को जानने वाले ये जानते हैं कि वे जिसके कंधे पर हाथ रखते हैं उसका बंटाधार हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस पिक्चर के पीछे की पिक्चर को समझने का प्रयास करेंगे प्रकाश भटनागर जी के साथ, जो कि हमारे एडिटर इन चीफ है, और ब्रजेश चौक से, जो कि हमारे ब्यूरो हेड हैं। प्रकाश जी, इसको तंज कसा जाए, समझा जाए, आशीर्वाद समझा जाए, ये समझा जाए कि एक इशारे में उन्होंने कह दिया कि जहाँ रहो वहीं रहो, आशीर्वाद है। देखिए मनोज, मुझे लगता है कि इसमें तंज भी है, और सदन का जो व्यवहारिक रिश्ता होता है एक वो भी है, व्यक्तिगत रिश्ते भी होते हैं, राजनीतिक विचारधारा मतभेद अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। माननीय दिग्विजय सिंह जी जो है सिंधिया राजघराने के जितने भी कस्टम्स हैं उनको एक जागीरदार की तरह से हमेशा फॉलो करते रहे हैं, और उम्र में बड़े हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनको उतना ही मान सम्मान देते हैं। बाकी तो वो ग्वालियर के महाराजा हैं और दिग्विजय सिंह राघोगढ़ के राजा हैं। रही बात तो जिस तरह से, जिस अंदाज में उन्होंने वाह महाराज वाह कहा है, और ये भी कहा है कि जितना अच्छा आप यूपीए की सरकार में पक्ष रखते थे उतना ही अच्छा आप बीजेपी की सरकार में भी पक्ष रख रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो राजनीतिक परिपक्वता है वो बड़ी है, और उनकी जो भाषण शैली है वो बहुत ही आकर्षक भाषण शैली है। तो जब वो यूपीए की सरकार में थे तो स्वाभाविक है कि आप अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अब वो बीजेपी की सरकार में है, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी को समझ रहे हैं, और निश्चित तौर पे वो कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने सीए के ऊपर भी जब कांग्रेस में रहते हुए विचार व्यक्त किए थे, चाहे कश्मीर धारा 370 पे विचार किए थे उनने सार्वजनिक तौर पर, तब भी उन्होंने बीजेपी सरकार की तारीफ की थी। तीन तलाक के मामले में भी उन्होंने अपना पक्ष सरकार के फेवर में रखा था। लेकिन ये वो दौर था जब वो थोड़ा सा नाराज चल रहे थे अपनी पार्टी से। लेकिन विचारधारा के लेवल पे मुझे लगता है कि उन्होंने जो कदम उठाया था तब तक उनकी बीजेपी में शामिल होने की कोई बात नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बोला था जो चीज़ थी, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए, कृषि कानून का वो समर्थन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अब चूंकि वो पार्टी के सांसद हैं, पार्टी लाइन पे ही संसद में बोलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और दिग्विजय सिंह
ये दिग्विजय सिंह को भी याद होगा कि इन्हीं कृषि कानूनों का कांग्रेस भी समर्थन करती थी कभी। आज अगर कांग्रेस विरोध में है तो कभी कांग्रेस भी इसी तरह के कानूनों का समर्थन करती थी। कृषि मंत्री रहे शरद पवार की चिट्ठी पब्लिक डोमेन में है। हाँ, पब्लिक डोमेन में है। तो मुझे लगता है कि चूंकि दिग्विजय सिंह आज उनकी पार्टी विरोध कर रही है इसलिए वो विरोध में बोल रहे हैं, कांग्रेस समर्थन कर देगी तो वो समर्थन में बोलेंगे, तो ये कोई एक ऐसा वो नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने ये जो कहा आखिर में कि आप जहाँ भी रहो और आगे जैसा भी हो, तो आप इसका ये मतलब मत तलाशिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद अगले चुनाव तक फिर से कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि सिंधिया अगर ऐसा चाहेंगे तो निश्चित तौर पे कर लेंगे, क्योंकि राहुल गांधी से उनकी मित्रता है, सिंधिया का जो गांधी परिवार है उनसे व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ता है। बिल्कुल, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन चूँकि वो जो गांधी परिवार है वो कमलनाथ के सामने या मध्य प्रदेश में हस्तक्षेप नहीं कर पाया और इसी कारण सिंधिया को अपमानित होकर कांग्रेस छोड़ना पड़ी। तो अब सिंधिया इस चीज़ को जितना दिल पे लिया है, जिस तरीके से उन्होंने बाई इलेक्शन में शिवराज सिंह चौहान को आगे रख के चुनाव लड़ा है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, अपने आप को जूनियर बताया है, तो मुझे लगता है कि सिंधिया में जो राजनीतिक परिवर्तन आ रहा है जी, तो अब कोई ऐसी संभावना भविष्य में नज़र नहीं आती कि वो फिर कांग्रेस के रास्ते जाएंगे। बाकी एक बुजुर्ग है, एक युवा है, परस्पर संवाद है, सदन का संवाद है, तो ठीक है। लेकिन एक संवाद का जो आपने कहा कि एक साल पुरानी जो तस्वीरें थी कि जब सिंधिया ने कहा था सड़क पर उतरूंगा, खबरें आई थी दिग्विजय सिंह उनसे मिलने जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह का एक बाकायदा एक ऑफिशियल प्रेस नोट जारी हुआ था कि वो सिंधिया से मिलेंगे, लेकिन मुलाकात होती सड़क पर, वो भी तब जब दोनों एक पार्टी में होते। तो आपको लगता है कि जब वो सब संवाद जब नहीं कायम हुआ तो ये जो अनौपचारिक संवाद हुआ, इसके बाद राज्यसभा में भी दोनों आमने सामने हुए थे जब शपथ ग्रहण के दौरान, तब भी एक दूसरे का अभिवादन किया था, लेकिन आज के इसको किस नज़रिए से देखते हैं फिर? देखिए मनोज, वो जो संवाद हुआ था साल भर पहले वो सड़क पे था और तनातनी के माहौल में हुआ था। बिल्कुल, तब लगातार दिग्विजय सिंह, खास करके दिग्विजय सिंह, कमलनाथ से ज़्यादा दिग्विजय सिंह सिंधिया को कांग्रेस में हाशिए पर डालने की लगातार कोशिश कर रहे थे और उसी सदन के लिए लड़ाई थी जहाँ पे संवाद हुआ है, जहाँ संवाद हुआ। तो अब बाकी जो आज हुआ है उसमें दिग्विजय सिंह ने जिस अंदाज में बोला उसका तंज समझने वाले समझ सकते हैं, वाह जी महाराज वाह वाह, वरना दिग्विजय सिंह महाराज को इस तरह से वाह जी महाराज वाह नहीं बोलते। बिल्कुल, तो ये समझने वाली बात है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके रिश्तों में कोई सुधार हो गया या आपस के कोई शिकवा शिकायत दूर हो गया। दिग्विजय सिंह कभी नहीं चाहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस कांग्रेस में आए। बिल्कुल, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि वापस भी कांग्रेस में आते तो वो उतने ही ताकत से आएंगे जितनी ताकत से वो गए थे। बिल्कुल, बीजेपी में भले ही वो साइड लाइन है, बीजेपी को समझ रहे हैं, लो प्रोफाइल है, लेकिन कांग्रेस में जाके वे लो प्रोफाइल नहीं रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति के तौर तरीके अलग है, बीजेपी की राजनीति के तौर तरीके अलग है। ब्रजेश जी, ज़्यादा समय नहीं बीता तब हमने देखा था कि जब जुलाई में, पिछले साल जुलाई में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद सिंधिया ने कहा था कि प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए टाइगर जिंदा है। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था और कहा था कि टाइगरों का शिकार मैं करता था माधव सिंधिया के साथ मिलकर, फिर उन्होंने कैमरे का जिक्र किया था। इसके बाद जो कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे भी कहा गया था कि एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है। तो आज भी शायद दिग्विजय सिंह यही कहना चाह रहे होंगे सिंधिया को कि अगर आपकी अपेक्षा जो हो रही है और अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो कांग्रेस में अभी एक शेर बाकी है, दूसरे शेर की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर मनोज जी, जैसे कि लोकतंत्र में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते, वो यहाँ देखने को हमको मिला है। ये स्वस्थ लोकतंत्र की एक श्रृंगार भी है और ताकत भी है, तो ये जाहिर तौर पर अच्छा है और होना भी चाहिए ऐसा ही कि आपके जो भी मनभेद हों वो वहाँ पे, जो भी मतभेद हों मनभेद में ना बदलें। लेकिन यहाँ पे जैसा आप कह रहे हो मनभेद हैं, बरकरार हैं, वो भले ही आपको यहाँ दिख नहीं रहे हों, जिस तरह से उन्होंने तंज कसा है दिग्विजय सिंह ने, भले ही ना दिख रहे हों। और एक बात बताऊँ मैं आपको, 18वीं शताब्दी की बात है, जब जे राज राघव को परिवार पर राजघराने पर जब दौलतराम जो सिंधिया थे महाराज, बिल्कुल ग्वालियर के, उन्होंने कब्जा किया था और ये वहाँ पे राजस्व की वसूली करने लगा था, एक अलग राज्य था ये और ये महाराजा थे, ये राजा थे। तो ये लड़ाई 200 साल पुरानी चली आ रही है। तब जब माधवराव सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया था तब भी ये बात आई थी, खूब उठी थी, चर्चाएं हुई थी कि दिग्विजय सिंह ने अपना बदला ले लिया है। बिल्कुल, तो ये पारिवारिक लड़ाई भी है एक तरह से, राजनीतिक तो है ही। अब उसको उस तरह से तो नहीं लड़ सकते हैं जो वो दौर था, उस दौर से तरह से नहीं लड़ सकते, तो इस तरह से लड़ रहे हैं।
कि आ जाइए राजनीतिक लड़ाई लड़ आ जाइए मैदान में आमने सामने सेना अब आमने सामने आ जाइए। एक तरह से वो लड़ाई बरकरार है, इसलिए इनमें मनभेद हैं। तरीका अलग है कि तलवार की बजाय जुबान की तलवार काम करती है, जुबान की तलवार और राजनीति है। तो यहाँ चुनाव मैदान में आप आमने सामने होते हैं और उस तरह से लड़ते हैं। आप यदि सीएम बनना है आपको तो आमने सामने लड़िए। तो अब ये लड़ाई उस तरह से चल रही, तो आप ये मत कहिए कि उनके बीच में मनभेद नहीं है। बिल्कुल मनभेद है, लेकिन जैसा कि लोकतंत्र में होता है दिखाई नहीं देते हैं। आज की तारीख में तो मनभेद भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि पहले नहीं थे। अटल जी के दौर में ऐसा नहीं था। आपको देखो नरसिम्हा राव जी का जो किस्सा है कि सदन में नारे लगे थे श्री 420 420, तो सबसे पहले नाराजगी जताई थी प्रतिपक्ष में रहते हुए अटल जी ने कि मान रहना चाहिए, सम्मान रहना चाहिए पीएम का। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र में बड़ी बाकायदा बड़ी परंपराएं हैं, उसका पालन होता है। तो जिस तरह से राज्यसभा को लेकर चुनाव को लेकर झगड़ा हुआ था दिग्विजय सिंह में और सिंधिया में, और वो भाजपा में आए थे, लेकिन जब शपथ ग्रहण की बारी आई तो आप देखिए दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया था राज्यसभा। बिल्कुल, तो इसको भी उसी तरीके से लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी लड़ाई खत्म हो गई। लड़ाई तो आगे भी जारी रहेगी भटनागर जी, लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन एक तस्वीर हमने वो भी देखी थी विधानसभा चुनाव के पहले कि जब सिंधिया राघोगढ़ में गए थे, उस किले में गए, दोनों की फोटो आई जयवर्धन सिंह के साथ, और ये कहा गया कि शायद कि माधव सिंधिया की जैसी जुगलबंदी दिग्विजय सिंह के साथ थी शायद सिंधिया और जयवर्धन की होगी। लेकिन अंततः बेटे की खातिर ये कहा जाता कांग्रेस में, और बाकी लोग भी कहते कि बेटे की राह बनाने की खातिर दिग्विजय सिंह राह का रोड़ा बन गए सिंधिया के, और सिंधिया को बीजेपी छोड़कर जाना पड़ा। अब इस तालमेल को देखते हुए लग रहा कि वाकई कुछ मधुर संवाद होगा, या जो हिसाब किताब पुराना चुकता करने की जो कांग्रेस ही राजनीति है, क्योंकि अभी तो इस लड़ाई में कई सारे कैरेक्टर बाकी हैं कि कमलनाथ का क्या रिएक्शन आता है, या बाकी जो उनके सिंधिया समर्थक मंत्री हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि इसी चुनाव में हमने तलखियाँ देखी थी, जो उपचुनाव हुआ था उसमें देखी, इसके बाद तक अभी जब सिंधिया समर्थक बाकी जो लोग मंत्री बने थे तुलसी सिलावट गोविंद सिंह राजपूत, उस दौरान जब कांग्रेस की ओर से बयान जो आ रहे थे, या सिंधिया को जो केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया उसको लेके जिस निचले स्तर तक बयानबाजी सिंधिया के खिलाफ हुई है, तो क्या ये कह सकते हैं कि ये जल्दी से कुछ ठीक होता नजर आता है आपको? देखिए ऐसी कोई संभावना नहीं है कि कांग्रेस में और सिंधिया में कुछ जल्दी ठीक होता नजर आए। दूसरी रही बात कि जब आप चुनाव के मैदान में होते हैं, सार्वजनिक मंच पे होते हैं, तो निश्चित तौर पे आलोचना का सुर जो होता है वो बहुत तीखा होता है। बिल्कुल, लेकिन जब आप एक बहुत उच्च सदन में हैं, उच्च सदन में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, तो वो वहाँ का माहौल अलग है। उसको आप ये नहीं जोड़ सकते कि इससे दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के रिश्ते सामान्य हो जाएंगे, या दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस एक साथ राजनीति कर पाएंगे। बिल्कुल। दूसरी बात मनोज, जो आपने कहा था कि माधवराव सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, तो अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया का विरोध जग जाहिर था। बिल्कुल, बाद में माधवराव सिंधिया का दिग्विजय सिंह से भी विरोध जग जाहिर था। माधवराव सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच में भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी। बिल्कुल, क्योंकि 93 में माधवराव सिंधिया का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए चला था, और बने दिग्विजय सिंह दरबार उनकी हैसियत काफ़ी अच्छी थी। हाँ, वो बने दिग्विजय सिंह थे। कांग्रेस में जो हैसियत माधवराव सिंधिया की थी, उसी हैसियत में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे। बिल्कुल, ये मैंने बहुत ही प्रत्यक्ष कई बार दिल्ली में जब मैं रिपोर्टिंग के लिए गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया का वजन मध्य प्रदेश के किसी भी सीनियर कांग्रेसी से कभी कम नहीं था। बिल्कुल, और सिंधिया को छोड़ने के बाद राहुल गांधी ने भी कहा था कि लड़के अपने लोगों को टिकट दिला लेते थे कांग्रेस में, तो वो तेवर देखिए अब आप बीजेपी के अंदर वो तेवर बिल्कुल नहीं दिखा रहे। बिल्कुल, क्योंकि दोनों चीज़ों में अंतर है। यहाँ के उनको समझ में आ गया कि यहाँ किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का प्रभुत्व नहीं है, यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल, तो वो उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि उनकी जो दादी थी वो भी कांग्रेस से जनसंघ में, और जनसंघ से फिर भारतीय जनता पार्टी में आई थी, और वो आखिरी समय तक फिर भारतीय जनता पार्टी में रहीं। बिल्कुल, उनकी दोनों बुआएँ भारतीय जनता पार्टी में ही रही है हमेशा से। तो सिंधिया राजघराने के लिए भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए सिंधिया राजघराना, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि दोनों एक दूसरे से अपरिचित रहे हो। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में लंबी पारी खेल सकते हैं। वो दूसरी बात कि उन्हें यदि कांग्रेस में जाना होगा तो दिग्विजय सिंह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन और ये भी है ना, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तब राहुल गांधी ने खुद सार्वजनिक रूप से कहा था कि सिंधिया इकलौते मध्य प्रदेश के ऐसे नेता जो बिना अपॉइंटमेंट से मुझे सीधे मिलने आ सकते या आते थे। तो मैंने बोला ही मनोज कि उनके बिल्कुल पारिवारिक रिलेशन वो आज भी कायम होंगे, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आए
तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी को भी पता होगा, प्रियंका गांधी को भी पता होगा, सोनिया गांधी, ये तो दोनों इनके हम उम्र हैं, बिल्कुल सोनिया गांधी को भी पता हो सकता है। लेकिन वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में उस समय कोई मदद नहीं कर पाए, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हावी थे। हमने राजस्थान का उदाहरण देखा, सचिन पायलट के भी रिश्ते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से वैसे ही हैं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के, क्योंकि जो राजेश पायलट उनके पिताजी थे उनके वो राजीव गांधी के बड़े नज़दीकी थे, बिल्कुल, और उन्हीं के कारण राजनीति में आए थे। तो वैसी स्थिति वहाँ थी, लेकिन हमने देखा कि सचिन पायलट की आज भी क्या स्थिति है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि राजनीति में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हम एक तरह से कल्पना नहीं कर सकते कि रिश्ते और सार्वजनिक जीवन के रिश्ते दोनों में कितना अंतर है। बिल्कुल जैसे सार्वजनिक जीवन के रिश्तों की बात है, लेकिन हमने देखा कि सिंधिया से जो कुछ संवाद हुआ, लेकिन क्या ऐसा संवाद कमलनाथ के साथ संभव है? निश्चित तौर पर। बात कि क्या अगर उनको ऑफर भी दे सकती है कांग्रेस, आपको लगता है कि आइए महाराज संभालिए राजपाट? देखिए मनोज जी, अभी हालांकि क्योंकि राजनीति में कुछ असंभव नहीं है। हाँ, कुछ असंभव नहीं है और अभी ऐसी संभावनाएं दिख नहीं रही। जैसे कि अब यदि कमलनाथ जी का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कभी आमना सामना होगा भी, तो आपको वो तख्तियाँ वो तलखियाँ नहीं दिखेंगी जो थी। निश्चित तौर पर जैसे दिग्विजय सिंह के साथ दिख रही हैं उनकी, आमना सामना होता तो बाकायदा संवाद भी होगा या अभिवादन तो होगा ही, तो ये आपको लोकतंत्र में देखने को नहीं मिला है। कई बार ऐसा होता है जब भले ही चाहे अटल जी की सरकार भी गिर गई थी, जिन लोगों की वजह से गिरी थी, क्या उनसे सबसे नफरत हो गई थी? नहीं हुआ था ऐसा। तो राजनीति में ऐसा होगा नहीं और होता नहीं है। हाँ, लेकिन अभी आ जाने की उनकी कोई संभावना दिख नहीं रही है। क्यों आएंगे अभी? ऑफर भी दे देंगे तो वो आएंगे क्या? परिस्थितियाँ वैसी नहीं है। ऑफर तो आज चाहे तो कांग्रेस नहीं देगी क्या? कोई भी यदि बोलने लगे कि अभी मैं इतने विधायक लेके आ रहा हूँ तो सब तैयार हैं, दूसरे विधायकों के साथ सरकार बनाना सब चाहते हैं। कांग्रेस तो बार बार अपने ट्विटर हैंडल से कह भी रही थी कि हम शपथ लेंगे, और अब भी कह रही है कि कभी भी गिर जाएगी। तो जो संभावनाएं सब देखते हैं, राजनीति में कोई छोड़ता नहीं है। यदि उनको संभावनाएं लगेंगी तो जरूर वो कहीं ना किसी को तो ऑफर कर ही रहे होंगे। हमने देखा भाजपा की सरकार बनते बनते, मतलब चुनाव के दौरान भी कांग्रेस से विधायकों को तोड़ के ले आए वो, और अभी भी कोई आना चाहेगा, उनको लगेगा कि जरूरत है, कोई हमारे यहाँ से भी विरोध कर रहा है या बगावत के सुर उठ रहे हैं, तो वो फिर ले आएंगे। तो राजनीति में ये संभावनाएं तो बनी रहती हैं। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए आप, टूट टूट के आ रहे हैं सरकार से। तो ये कोई वो नहीं है कि वो नहीं आएंगे। जैसे भटनागर जी ने कहा कि हो सकता है उनके अगर संभावना जैसी दिखें आगे वो आना चाहेंगे तो वो कमलनाथ के ऑफर पर नहीं आएंगे। बिल्कुल, वो आना चाहेंगे तो दिल्ली से ही आएंगे। वो कमलनाथ से और दिग्विजय सिंह की सहायता लेने की उनको जरूरत नहीं है, वो सीधे आ सकते हैं। पैराशूट तो, लैंडिंग मतलब हो गया, पैराशूट लैंडिंग हो सकती है, लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही। लेकिन मनोज एक बात ये भी है कि राजनीति की विश्वसनीयता जनता के बीच, बिल्कुल, वो आप कैसे खो सकते हो? आज अगर आपने दल बदल किया उसके कारण स्पष्ट थे, जनता ने आपका समर्थन कर दिया। अब 2 साल बाद यदि आप फिर दल बदल करते हो तो आप महाराज की, अब वो जमाना बदल गया, आज़ादी के बाद हम 70-72 साल बाद हैं, बिल्कुल, तो आपकी राजनीतिक विश्वसनीयता, आपका शासन नहीं रह गया ग्वालियर चंबल संभाग, अब आपकी वहाँ पे राजनीतिक विश्वसनीयता है, खास करके सिंधिया राजघराने की। इसलिए कि सिंधिया राजघराने में चाहे माधवराव सिंधिया के पिताजी हों, माधवराव सिंधिया खुद हों या ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद हों, विकास के साथ और अपने क्षेत्र की चिंता के साथ इन लोगों का बहुत नज़दीकी वो है। आप देखेंगे पूरे भारत में राज परिवार राजनीति से सिमट गए, लेकिन सिंधिया घराना पूरे दमखम के साथ, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, बिल्कुल पूरे ताकत के साथ राजनीति में अपने प्रभुत्व के साथ मौजूद है। तो उसका कारण उसकी जनता के बीच विश्वसनीयता है। आप बार बार दल बदल करेंगे तो ये तो संभव नहीं है, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला निकट भविष्य में। बिल्कुल, लेकिन असंभव को संभव बनाने की कला ही शायद राजनीति है, और इसलिए इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन समय अभी और इंतजार करने की इजाज़त नहीं देता। तो फिलहाल आप दोनों से विदा लेना होगी। तो निश्चित तौर पर राजा और महाराजा के बीच जो संवाद हुआ है, तो उम्मीद की जाना चाहिए, जैसा कि हमारे साथियों ने भी कहा है, कि राजनीति में मतभेद की जगह होना चाहिए, मनभेद की जगह नहीं। लेकिन जिस प्रकार के राजनीति के मंझे खिलाड़ी दिग्विजय सिंह हैं, और जिस तरह से राजनीति के मैदान में सिंधिया मंझते जा रहे हैं, इसके बीच दोनों का संवाद हुआ, तो निश्चित रूप से इससे अभी कोई अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि निकट भविष्य में दोनों एक साथ नजर आएंगे। लेकिन राजनीति में एक कहावत है कि यहाँ ना कोई स्थायी दोस्त होता ना स्थायी शत्रु होता है। तो इस राजनीति का आनंद लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।